Assalamu alaikum viewers, this is Shahrukh Awan from Pearl Content TV Network. Today, I'm going to take an interview from Muzaffar Baloch, who is the DSP of Anti Enchrochment. And as you know that our organization is only taking interviews of highly professional officers of police department, and he's one of them. And we are quite proud that today we are just sitting with him and we'll be taking an interview with him. So let's have a conversation with him and get to know his views. हम बात करने जा रहे हैं अली मुजफ्फर बलोच साहब के साथ जो इस पर डीएसपी एंटी एनक्रोचमेंट है. आइए बात करते हैं. सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम सर. एक्चुअली हम लोग आज आपका इंटरव्यू लेने आए हैं. थोड़ा सा हमें बताएं सर, जो आपका एक्सपोजर है प्रोफेशनली पुलिस डिपार्टमेंट में, आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में आज तक आपने सर्व किया? अच्छा जी, पहले तो आप लोग का बहुत शुक्रिया और पीसी न्यूज का, पीसी टीवी न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया उस इंटरव्यू के लिए मुझे सेलेक्ट किया और मेरे पास आए. और ये तो चैनल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा चैनल है पीसी न्यूज. और बाकी जो है मेरी पोस्टिंग के हवाले से आप अगर क्वेश्चन करते हैं मुझसे, तो मैं एज एस एच ओ मैंने बहुत सर्व किया आज ज़्यादा 90s में एस एच ओ, और बहुत ज़्यादा सर्व किया मैंने कराची के मुख्तलिफ थानों में. और अभी लास्ट पोस्टिंग में एज एस पी एंटी करप्शन भी रहा हूँ. मैं 5 साल वहाँ भी रहा हूँ, एस पी एंटी करप्शन ईस्ट में भी रहा हूँ, साउथ में भी रहा हूँ. और लास्ट पोस्टिंग मेरी सी आई ए थी, एडमिन देख रहा था मैं सी आई ए डी आई जी सी आई एडमिनिस्ट्रेशन. फिर उसके बाद वो जो आपको पता है सिलसिला जो कोर्ट का हुआ था, और उसमें हुआ था बहरहाल मैं के डी में सर्व कर रहा हूँ. तो यहाँ जी 4 हमारे पास थाने हैं, जिसमें एक माइनर मिनरल्स है, एक एस बी सी ए है, एक के डी ए है और एक के एम सी है. ये 4 एस एच ओज हैं और 4 थाने हैं मेरे पास. तो इसको हैंड मैं कर रहा हूँ, और फिर डी आई जी साहब, डी आई जी जो है फारूक साहब, वो इसको लुक आफ्टर करते हैं. तो जो हमारे इधर फंक्शन हैं, आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें जो हमारे फंक्शन होते हैं, इसमें ये है जी एस बी सी ए का जो वॉल्यूशन होती हैं, जो एस बी सी ए की वॉल्यूशन हैं, जो फ्लोर्स अलाउ नहीं है, जो इंक्रोचमेंट जो अलाउ नहीं है, जो उसमें वो एस बी सी एस एच ओ एस बी सी ए देखता है. तो एस बी सी ए की आती हैं वो रिपोर्ट, तो उस पर वहाँ एस बी सी ए की हमारे जो एस एच ओ है वो उसको मैनेज करता है, फिर वहाँ पुलिस भेज के जो भी फर्दर कार्रवाई होती है वहाँ करते हैं. और के डी ए का फंक्शन है जी, जो के डी ए की जो ज़मीनें हैं पूरी कराची में, उस पर अगर इंक्रोचमेंट है या उस पर कब्जा है या कोई इम्यूनिटी प्लॉट्स हैं उन पर कब्जा है, ये है, तो ये पुलिस हमारी जाती है यहाँ से, इनका डायरेक्टर इंक्रोचमेंट वगैरह ये रुख सारे वहाँ जाते हैं, और हमारा एस एच ओ और पुलिस वहाँ जाती है और वो उसको कैट कराते हैं. एग्जैक्टली. और इसी तरह माइनर मिनरल्स है, जो रेती बजरी चोरी हो रही है, ये जो गैर कानूनी तौर पे देख के चल रहे हैं, उनको वो फिर उसके टैकल करते हैं और वो फिर उसके खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं. ऑलराइट सर, मुझे बताइए कि आपके कैरियर में कौन से ऐसे खास इवेंट्स रहे जिसके अंदर आपने, मतलब आपका जान का रिस्क था, और किस तरह से आपने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अपनी जान को रिस्क में डाला और आप सुरखरू हुए, थोड़ा सा हमें बताया था आपके हवाले से. अच्छा, उसमें मुझे याद है जी 93 की बात है. मैं 93 या 94 में मैं एस एच ओ था बलोच कॉलोनी, वहाँ हमारा इनकाउंटर हुआ था जिसमें मैंने 3 डाकू मारे थे, और मेरे भी एक एसआई शहीद हुआ था, एक सिपाही भी शहीद हुआ था, और वो इनकाउंटर बड़ा अच्छा था और वो बड़ा डेंजरस टाइम था. और बड़ा उसमें हमने, आज भी हमें याद है कि अल्लाह ने बार ज़िंदगी दी उसमें मुझे, और मेरे साथ मेरा ईसाई शहीद हुआ और मेरे दो कॉन्स्टेबल शहीद हुए, तो उसमें बड़ा रिस्की वो था. और एक हमारा बिन कासिम में इनकाउंटर था, मैं ऐसे चोर जो था बिन कासिम, तो नादिर खुसू साहब मेरे एस एस पी थे, तो उधर मैंने इनकाउंटर बड़ा किया था, उसमें भी हमने 2 डाकुओं को मारा था और 3 पकड़ लिए थे हमने, जो फिर उनको आखिर में सजाएं हो गई थी उनको, एक को उम्र कैद हो गई थी और दूसरे को भी सजा हुई थी, तो वो भी उसमें हमने बड़ा अच्छा वो किया था. फिर एक हमने गैंग पकड़ा था बलूचिस्तान से, अगवा बराए तावन वाला,
और ये 96 की बात है, तो वो भी बड़ा अचीवमेंट थी मेरी, और वो भी हम पकड़ के लाए थे बलूचिस्तान से, तो वो भी उसमें भी हमने 6 आदमी पकड़े थे। सर आपके साथ काफ़ी लोग शहीद हुए, तो डेफिनेटली आपके दिल में शहदा के लिए और शहदा के लवाइक इनके खास जज्बात होंगे। आप जैसे कि आपको पता है 4 अगस्त हम यमी शहदा मनाने चाह रहे हैं पुलिस डे, तो उस हवाले से हमें थोड़ा बताएं सर क्या किस तरह से मनाना चाहिए, कितना और आवाम को इसमें क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस तरीके से? अच्छा मैं शहदा के हवाले से बताऊँगी तो बहुत बड़ा रुतबा है शहादत का, बहुत बड़ा रुतबा है, और जिस घर में शहादत होती है तो वो तो वैसे ही आपको पता है कि उस फैमिली को और उस घर को बड़ा क्रेडिट जाता है, और उसके लिए तो हर आदमी उनको सलूट करता है कि उन्होंने ऐसा दिलेर आदमी पैदा उनके घर में हुआ और उसने आखिर में शहादत का रुतबा हासिल किया। तो ये तो बड़ा ऑनर की बात है और बहुत हर आदमी की, हर फोर्स वाले की ये ख्वाहिश होती है कि उसको मौत तो जी सबको आनी है और मरना सब नहीं है। अगर कोई शहादत के रुतबे से मरता है तो उसका तो आपको पता है कि जन्नत में मुकाम उसका वैसे ही होता है, और वहाँ भी जन्नत है उसकी और आखरत भी उसकी बहुत अच्छी है, और उसके घर वाले भी प्राउड फील करते हैं कि जी हमारा बेटा शहीद हुआ है। तो शहादत का रुतबा तो मैं कहूँगा जी इससे बड़ा रुतबा कोई भी नहीं है। और जहाँ तक ये सवाल है कि ये जो हमको सेलिब्रेट और हमें करना चाहिए हर साल, हम जैसे हम बना रहे हैं इस 2-3 दिन बाद ये हम सेलिब्रेट करेंगे इसको, और उसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आवाम को भी और उनको भी, और खराज तहसीन सबको पेश करना चाहिए कि जी इन शहदा के लिए खराज तहसीन पेश करें इनके लिए, और वो जज्बात रखें और वो फीलिंग रखें कि जी हम भी इनकी जगह होते तो हमें भी ये शहादत का रुतबा मिलता, और बड़ा उनकी फैमिली के लिए भी। और मैं उनको इस बात पर मुबारकबाद भी देता हूँ कि भाई उन शहदा के वो वालदेन हैं और शहदा के हैं, तो बहुत बड़ा रुतबा है ये अगर देखा जाए। सर मुझे बताइए कि 29 अगस्त को हम हीरो अवार्ड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है हम हमारे जो पुलिस के हीरोज़ हैं आज, इनके अचीवमेंट्स हैं जिन्होंने डेफिनेटली अपने छातियों पर गोलियां ली आवाम के खातिर, उनको कौम की बका के लिए, सर उसके उस हवाले के लिए आपके क्या कमेंट्स हैं? मैं यही बात कह रहा हूं कि जी एक तो आप लोग माशाल्लाह ऐसे जज्बा रखते हैं, और ये जो आप इवेंट कर रहे हैं तो आप लोग को मुबारकबाद दूंगा सबसे पहले कि ये इवेंट आप लोग मैनेज कर रहे हैं, और बड़ा इवेंट है ये और माशाल्लाह, और हमें वो जो अवार्ड्स मिलते हैं और जो हमारी कारकर्दगी में मिलते हैं ये हमारे लिए ऑनर है, और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी ऑनर है कि जी लोग ऐसे हैं कि वो ये ऑर्गेनाइज करते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं कि जी आपने देखें बात ये, तो हमारा फ़र्ज़ है, अब हम भर्ती जब पुलिस में हुए हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हर एक को सिक्योरिटी देना और हर आवाम को उनका जायज़ हक उनको देना, तो ये तो हमारा एक फ़र्ज़ भी है। लेकिन उसके बावजूद जब ये हमें जब अवार्ड और ये चीज़ें नवाजा जाता है तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की और बड़ी खुशी की बात होती है कि जी कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए अगर ये करती है, कोई ये हमें वो करती है सेलिब्रेशन करती है, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए ऑनर की बात है, और ये मैं खुश हूँ इस चीज़ से, और माशाल्लाह ये आप लोग कर रहे हैं तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी आएंगे उसमें और सब होंगे, ये बहुत ऑनर की बात है। और सर आपका पुलिस जवानों के लिए क्या मैसेज है, स्पेशली आपके अपने जो अंडर कमांडेंट है? मैं हर पुलिस ऑफिसर और जितने मेरे ऑफिसर्स हैं और जितने मेरे मातहत हैं जो भी मेरे कांस्टेबल्स जवान हैं, उन सबको मैं यही कहूँगा कि दिल से मेहनत से और जज्बे से काम करना है, क्योंकि हम अगर भर्ती हुए हैं पुलिस में तो ये जज्बा लेके पैदा हुए हैं कि हमने खिदमत का, हम खादिम हैं, हम कोई वो नहीं है कि जी वर्दी पहन ली तो हम जी वो कोई सुपीरियर हो गए, वो नहीं हो गए, हम खादिम हैं, हम अपने आप को खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया और इस महकमे में हमें लाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें सबको खिदमत करना है, सबकी जज्बा वो रखना है कि खिदमत का जज्बा हो, और हर इंसान को इंसाफ दिलाना है। आपने आप अगर इधर बैठे हैं और आप इस सीट पे बैठे हैं, अल्लाह ने आपको इस सीट दी है, कल को आप मेरी जगह होते तो मैं आपकी जगह खड़ा होता, तो आप वो रख के सोचें कि जी कल मैं इस सीट पे होता तो आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के उसके साथ इंसाफ करना है। और ये मैं कहूँगा सबके लिए और सबको ये कहूँगा कि अपनी नौकरी और अपनी ये को इसको हलाल करनी है और आपने खिदमत करनी है, खिदमत करनी है। और सर आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है? आवाम के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जी पुलिस वाले जो हैं जी आपके खादिम हैं,
और आपकी खिदमत के लिए हैं, आप भी उनके साथ ताउन कीजिए और थोड़ा सा मतलब हो जाती है, पुलिस वालों से भी बदतमीज हो जाती है, ये हो जाती है, तो ये टॉलरेट पुलिस वालों को तो करनी नहीं चाहिए कि कोई बदतमीजी करे, और ये मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूँ, तो उनको जरा थोड़ा सा आप माफ करने का जज्बा भी रखें और उनके साथ ताउन करें। डेफिनेटली सर, क्योंकि इतना हैक्टिक डे होता है, थ्रू आउट पुलिस ऑफिसर गर्मी में खड़े रहते हैं स्नैप चेकिंग के हवाले से, फिर उनकी वर्दियां इतनी इतनी गर्म होती हैं कि ऑब्वियसली वो कभी कभी थोड़ा बहुत थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा, क्या होता है? वही मैं कहता हूँ कि वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आवाम को भी थोड़ा सा टॉलरेट कर दिया करें कि चले भाई ये 8-10 घंटे धूप में खड़ा हुआ था और उससे बदतमीजी हो गई या चिड़चिड़ा हो गया थोड़ा सा। वो बात ये होती है कि इंसान की ड्यूटी, अब देखें सुबह से वर्दी पहनना, इतनी मोटी वर्दी होती है और गर्मी होती है, शिद्दत ऐसी होती है कि आप मैं तो हमदर्दी के तौर से कहता हूँ कि आप भी अगर देखें उस लम्बे आप खड़े होकर देखें, उसकी जगह आप खड़े होकर देखें, तो आप भी वही रिएक्ट करेंगे जो उसने करा। बहरहाल उसको करना नहीं चाहिए और ना वो करे, अगर थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती तो आपको टॉयलेट करना चाहिए। और अवाम बार अवाम तो अवाम है और अवाम से अच्छी चीज तो कोई भी नहीं है, मालूम है सब अवाम की वजह से ही है। आज मैं अगर हूं तो अवाम मुझे लाइक कर रही है तो मैं सीट पे बैठा हूँ, नहीं करेगी तो मैं भी नहीं बैठूंगा, तो नेचुरली ये हमें कोऑपरेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू सर। और ये थे हमारे साथ डीएसपी एंटी इंक्रोचमेंट अली मुजफ्फर बलोच, और मैं आपका हूँ शाहरुख अवान। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।